कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया हूँ, काफी नर्वस हूँ एक्चुअली, और एक्साइटेड भी हूँ एट द सेम इवन टाइम। सेम सेम है, सेम है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। तो पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ फैजान, लाइक व्हाई एक्टिंग? व्हाई एक्टिंग? या आई डोंट नो, बट बचपन में क्लासरूम में होता है ना, थोड़ा मैं मिमिक्री करता था टीचर्स की, ओके और नॉट जस्ट टीचर, अपनी फैमिली में, खानदान में लोग जो होते थे, या कोई मॉन्टी के अंकल आंटी हैं, उन लोगों की छोटी छोटी मिमिक्री टाइप करता था, तो लोगों को अच्छी लगती थी, हंसते थे ओके लोग। मुझे लगता था कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरे अंदर कुछ वाइब्रेशन सी होती है उसको करते वक्त, जब अच्छा लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता। तो करते करते फिर और क्लास में सटायरिकल बोलना, क्लास कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं, सबक पढ़े स्पीच सेशन ऑफ टीचर, अच्छा फिर तो वो इवॉल्व करते करते फिर वो रियलिटी शोज देखना, वी चैनल, एमटीवी, यू नो, तो मुझे उस टाइम एक्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि शायद ये रियलिटी शोज जो होते हैं, पहले यहाँ जाना पड़ता या फिर मॉडलिंग स्टार्ट करनी पड़ती, वहां से अच्छा आप एक्टर बन सकते। मैं तो स्ट्रेट फॉर्मूला था कि ओडीज में जाके जीतना है, फिर बिग बॉस में जाके जीतना है, और फिर सलमान भाई से बोलना है कि चलिए इनसे बात करिए, आजाओ इंटरेस्टिंग बनेगा बनेगा। इंटरेस्टिंग। तो सो ये मैं वही मतलब बचकाना जी 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 सॉरी सॉरी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। विचार था, बस वही एक बचकाना विचार था, एक थॉट था जो ब्रेक हुआ जब मुझे पता चला कि हाँ एक्टिंग भी सीखी जाती है और उसका भी एक स्कूल होता है। पहली बात तो अच्छा मुझे स्कूल से ही थोड़ी गुस्सा था आया कि अभी तो जस्ट 12th खत्म करी है, स्कूल से छुटकारा नहीं, फिर ये स्कूल में जाना चाहते हैं। समझ रहा हूँ। वही है, फिर वहां गए, पता चला कि ग्रेजुएशन चाहिए, फिर और गुस्सा आया कि हाँ ग्रेजुएशन भी करो, फिर यहाँ दोबारा आओ, फिर मुंबई जाओ, तो जिंदगी तो मतलब इतनी में संभालने की काम करती नहीं। फिर तो जैसे वो आपने स्ट्रगल बोला हुआ। कि ये जो फिर इधर आओ उधर जाओ, वो जो स्ट्रगल और जो खपाने वाली आप बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा किस्सा मुंबई का जो कुछ आप बताना चाहेंगे, मुंबई जाना वो कोई किस्सा स्टोरी कोई? तो बहुत है, मैं तो फिर छोटा सा किस्सा क्या है, मैं जब पहली बार मुंबई आ रहा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, पहली बार 2017 में आया था, तो पहले अपना शूट कर लिया, और वो तो मैं शूट कर लिया था 2018 में, फिर मैं दोबारा आया था परमानेंट शिफ्ट करता हूँ। मुझे याद है अच्छा मैं सारा सामान लेके अपना आ रहा हूँ, अपने दोस्त हैं, बुक्स हैं मेरे पास जितने भी, ये सोच के कि मुझे अब मुंबई में ही रहना है, यही मेरा ऑप्शन है। मुझे आज भी अच्छा याद है, इतना बहुत हैवी सा बैग ट्रेन से लेके उसके शोल्डर पे टांग के, और एक ट्रॉली बैग जिसमें क्लोथ हैं, और मैं आ रहा हूँ लेके, और यहाँ पर सुबह मेरे यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होता है एक्टर का, अच्छा वहाँ आया था। तो जब मैंने नहाने के लिए टी शर्ट उतारी तो पूरा पूरा बैग जो है पूरा रेड हो चुका था। तो इतना बुकों से या थिएटर से प्रेम तो है, ऐसी बात नहीं है। तो वहां से मतलब है कि मतलब मेरे बाद में था कि मुझे यही रहना है, यही सब कुछ करना है, लेकिन फिर सेकंड वेव आई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो फिलहाल अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट हूँ, अच्छा इंशाल्लाह जल्दी ऑफिस जाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर मेरा सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। IB71 का कोई एक सेट पे कोई किस्सा हुआ जो आपको याद हो, वो आप शेयर करना चाहें हमसे? किस्से तो मेरी आदत है, ज्यादा किस्से घूमने की, तो किस्से बहुत है, मैं सोचूं कौन सा बोलूं। कोई एक जो पॉइंट ऑफ का तो विद्यु जम्वाल के साथ सबसे कोई ऐसा इंटरेक्शन, कोई ऐसी लाइक कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जो आप रिकॉल कर रहे हैं उस वक्त? दो किस्से मैं बताना चाहूंगा, जी जी एक प्लीज तो प्लीज विद्युत सर के प्लीज साथ, प्लीज विद्युत सर के साथ था जी एक्चुअली, जी हमारे एक सीक्वेंस है मेरा विद्युत सर के साथ, तो उसमें क्या है, बोर्ड पे एक्शन हो रहा है डल लेके अंदर, अच्छा डल लेट पे ठीक है कुछ ज्यादा। हाँ मुझे क्या है, लू एक्चुअली ज्यादा आता है, उससे मैंने पानी ज्यादा पी लिया था, और वेट सूट मैंने पहना था जिंदगी में पहली बार, जो कभी नहीं पहनना चाहिए अगर आप पानी में या कहीं एक्शन कर रहे हैं जहाँ दूर दूर तक वॉशरूम नहीं है। अच्छा तो वो मुझे प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था, मुझे दूर जाना था, और एक डेढ़ घंटा पहले ही डल लेके बिता चुके थे, एक्शन के नीचे बहुत होते हैं, बहुत टफ है एक्शन, ज्यादा टफ है। तो विद्युत सर ने मेरे माइंड डाइवर्ट करने के लिए बिटवीन द टेक्स उन्होंने क्या करा कि जो मोटर बाइक वो खुद चला रहे थे एक्शन में, तो बिटवीन उन्होंने मुझे दे दी, ओ जबकि मैंने उससे पहले कभी कार नहीं चलाई थी। अच्छा
एकदम से हाँ इधर आ इधर आ इधर आ, तो भी डाइट इसे की इसे बदल एक्सपीरियंस हो, तो इंटरेस्टिंग था। बड़े मतलब बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे, सिर्फ मोटर बाइक की तरह था। बस भी जो हमारा इंस्पेक्शन हुआ एक्सीडेंट करने के, यहाँ तुम्हें लगा क्या रहती कोई है नहीं, कमर चला रहा है एक्सपीरियंस नहीं, तो बातें करेंगे। फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगा एक्सीडेंट, वो अच्छा इम्प्रेस होते हैं, तो उन्होंने कोई भी सुनी तो और इम्प्रेस हुए, तो ओके जिससे हमारी बॉन्डिंग बनती चली। इंटरेस्टिंग। सो आपने जैसे आपने बताया कि कुछ पढ़ा भी उन्होंने आपका लिखा हुआ, तो कुछ राइटिंग एज अ राइटर आपने 2 बुक ऑथर्ड की है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपका राइटर साइड क्या है एक्टर से हट के? राइटर साइड एक्चुअली 2014 में 2014 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं ओके थिएटर करता था वहां पर, सुंदर थिएटर ग्रुप है, पहले मैंने वो ज्वाइन करा था, उसके बाद सिटी, उसके बाद तो उसमें तो मेरी राइटिंग एक्चुअली नॉट प्रोफेशनली, एक काइंड ऑफ राइटिंग स्टार्ट हो गई कि वहां पर मैं स्टोरीज दी जाती थी अडेप्ट करने के लिए, ओके प्ले करने के लिए, कुछ प्ले क्लासरूम प्रोडक्शन के मोड पे, ओके उसमें मुंशी प्रेमचंद, कृष्णा चुगताई और रणबीर भारती जितने भी राइटर थे ना, उनके स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज सिलेक्ट करते थे। अब वो होती थी स्टोरी, हमें करना है नाटक, उसमें डायलॉग बात भी होगी, डायलॉग होंगे। अच्छा मेरे ग्रुप में मैंने इतना जिम्मा ले रखा था शायद काम करने का, ये मैं उस कहानी को अडेप्ट करता था नाटक में, कैसे ऐसे ऐसे इसको एडिट करना है, इसको डायलॉग में हम यूज कर सकते हैं, तो शायद वो करते करते ही स्टार्ट हुआ। फिर क्षितिज में गया, फिर वहां से और राइटर से मुझे मुतासर हुआ, फिर वहां अच्छा से कहानी शायद मैंने 2015 में लिखी, शुरू करते करते थोड़ी बहुत कविताएं लिखी, फिर वो कविता की किताब आ गई जो कि काफी जल्दी आ गई, नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो प्रैक्टिस पोइट्री थी मेरे साथ, क्योंकि एक राइटर होता है पहले वो स्टार्टिंग में काफी ऊपर लिखता है प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा फिर उसे नरिश करता है, मानता है, करते करेक्ट 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 करते फिर जल्दी जल्दी में एक और बुक आई, कहानी और एक और नॉवल है जो पाइपलाइन में, और अच्छा भी तमाम कहानी पढ़ने का। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट नॉवेल, जल्दी वो भी पब्लिश होगी। और फैजान, मैं थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा और जानना चाह रहा था कि मतलब हाउ IB71 हैपेंड, मतलब कैसे ये आप तक पहुंची, कैसे आपने ऑडिशन किया, थोड़ा सा जर्नी बताइए IB71 की, और एक्सपीरियंस भी थोड़ा और शेयर कीजिए IB71 का एज योर डेब्यू फिल्म। या जी कल का टाइम आ गया था कोरोना की वजह से, तो ऑफिस आपको नहीं, तो दिल्ली से ही काम हो रहा था, थोड़ा बहुत कम हो रहा था लेकिन हो रहा था। मैंने एक प्रोजेक्ट करा था उसमें स्क्रीन प्रेजेंस थी मेरी, पटला 2018 में, अच्छा स्मॉल स्क्रीन प्रेजेंस थी, तो नितिन ओके खुराना की कास्टिंग, तो उसमें एसोसिएट थे अजय जाधव, वो जानते हैं मुझे, तो उन्होंने ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कराए कि ऐसे स्क्रिप्ट के साथ कि सीन है आप बना के देखो जल्दी, तो अच्छा फर्स्ट टाइम था जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने इसके बारे में पूछा नहीं कि कौन कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस में कौन डायरेक्टर है, सीन कितना बड़ा है। उसका एक ये भी रीजन था कि कोरोना 2 साल से घर में बैठे थे और इतना फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ हो गए थे कि राइट काम राइट करना है। राइट काम राइट स्टार्ट हुआ था 2019 में, प्रोजेक्ट आया था तो गैस एकदम से बहुत लंबा गैप आ गया, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, ओके मैंने बस वो ऑडिशन पढ़ा, इंटरेस्टिंग लगा मुझे कैरेक्टर, छोटा सा उसका अंग्रेज था अच्छा लाइन में, तो फिर खुद से कुछ इंटरेस्टिंग उसमें डाला, ठीक है उसे बना के भेज दिया, एज यूजुअल भूल गया क्या उसका बनाया, तो उसके बाद भी और तमाम ऑडिशन लेकिन ऐसी कॉल आई कि आप शॉर्टलिस्ट है, ओ नाइस, 10 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल आई लॉक है, फिर वही दिसंबर में आके 2021 में 2022 में हाँ पैर में ओके और एक्सपीरियंस कैसा था मतलब शूट का, मतलब आप एक्सपीरियंस तो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं ऐसी बात से एक्साइटेड एक्साइटेड था कि वी आर गोइंग टू शूट इन कश्मीर, बिकॉज़ आई हैव नेवर बीन देयर, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं कश्मीर में जा रहा हूँ और वहाँ पर करेंगे हमको थ्रिलर फिल्म है, और जिंदू के साथ जिंदू के साथ शूट करने वाले हैं उनकी एक्टिंग स्टार है, और संकल्प रेड्डी जिन्होंने गाजी जी अटैक, जी गाजी अटैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, को एक्टर बहुत अच्छे थे, रनिका लेखा, रनिका एल्बी कंपनी थे,
जी वहां भी मेरी साथ साथ गए थे। बहुत एक्साइटेड था मैं कश्मीर गए सब लोग। और मैं कश्मीर जब पहुंचा तो वहां बर्फ नहीं थी, तो बहुत थोड़ा नजर आ रहा था यार, बर्फ तो देखनी थी कश्मीर आने का मतलब ही यही है। तो दिल्ली में भी पूछ रहा हूँ, वहां तो बर्फ नहीं थी, मौसम चला गया था। लेकिन जब हम पहलगाम गए, पहलगाम गाँव के ऊपर गए, जी वहां पर भी नहीं थी थोड़ी उड़न सुनी थी। लेकिन शायद किस्मत इतनी अच्छी थी कि जिस दिन हम पहुंचे, रात हम सोए और सुबह जब हमने विंडो से कर्टेन बनाए सबने, तो पूरा स्नो की कश्मीर ढका हुआ था। क्या बात है इतनी हैवी स्नो फॉल हुई थी कि हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छा प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ है इतना। लेकिन हमें थोड़ा मुश्किल हुई थी, चलो हमने वो देखी। प्रोडक्शन वाले लेकिन बहुत परेशान हो गए हाँ होंगे, मतलब प्रोडक्शन वालों की तो हालत बुरी हो गई हाँ होगी कि बहुत बहुत एक्टर्स आ बहुत चुके हैं, सब डिफिकल्ट कुछ हो रहा था। सेटअप है और वेदर ने फेवर नहीं किया, अब क्या होगा। राइट बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड मिल रहा है आपको शूट करने के लिए, वरना बहुत जल्दी चला जाता है और बहुत लेट आता है। अभी भी तो बहुत स्टार्ट होता है, टफ है मतलब वहां पे मतलब शूट करना। मैंने फर्स्ट डे जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, मेरा पहला शॉट था, मेरा पहला शूट था ये विद्युत करके था। तो हाँ मेरा जो एक्सपेक्ट आज रिहर्सल है करने के लिए, थोड़ा बहुत एक्शन बताओ। लेकिन कोई जब मैं पहुंचा वहां पर, मेरे हमारा लोकेशन था दिल्ली के ऊपर, कंडीशन था थोड़े जीजी साइड का, दूसरे तीन था रनिंग एंड पॉइंट विद्युत सर कर रहे हैं और वो भी फाइनल करें। ओके और काफी प्रेजेंट प्रेजेंट ऑफ माइंड लिए ना, क्योंकि एक सेकंड भी अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड गए तो आप दिल्ली के अंदर हो। अरे बाप रे, लेकिन जो सिंगल वॉक दो सिंगल पर्सन पर वॉक कर सकते हैं, उसके तीन चार लोग आ रहे हैं वहाँ से उससे फाइट कर रहे हैं, उनके यहाँ काफी इंटरेस्टिंग था मेजर देखने को। मैं मुझे लगा कि हाँ भाई एक्शन काफी टफ है, इतना इजी नहीं था। ओके भी एक्शन वाइज शूट रहा हो कि बैक फ्लो में ज्यादा हो, काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आया। तो जो भी था थोड़ा बहुत ओके आपका आप अपनी कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या है कैरेक्टर आपका IB71 में? ये अभी तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ओके आई कैन क्योंकि अंडरस्टैंड। ट्रेलर ट्रेलर हाँ ट्रेलर में ये भी ज्यादा बताया ही नहीं है, ओके इसके रीडर है जब हम हाँ फिल्म देखेंगे तो ओके ओके पता चलेगा। बस इतना जरूर बता सकते हैं कि ये नेक्स्ट इवन करना है ये हमारी फिल्म में, जैसे ट्रेलर ने ड्यूरल में टच करी मिस लेकर तक की वॉर हुई थी चंदा जी और अपाल वाला, इसमें कैसे एक इंडिया को मदद मिली थी हाँ पाकिस्तान को शूटिंग करी, तो ये ब्लूप्रिंट भी इसमें ब्लॉक कर। ओके हाँ सो मतलब लेकिन बाकी आपका जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो एक बहुत लाइक मे बी अगर ट्रेलर में उतना कायदे से नहीं है तो मतलब लाइक थोड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, देखने को मिल सकता है व्यूअर्स को। ओके हाँ इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है, ग्रेट 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 ग्रेट। स्टार रोल में तो भाई का रोल प्ले करना है, मेरा जी बड़ा भाई रोल प्ले करना अच्छा, है, तो भी दोनों भाइयों की थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ओके क्या होता है। तो जब आप ओके फिल्म डेफिनेटली देखेंगे आई विल वॉच डेफिनेटली, और फिर मैं आपको देख के ज़रूर बताऊंगा कैसा लगा मुझे आपकी डेब्यू फिल्म देख के। सो लेट्स थोड़ा सा एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम लोग मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के ज़माने में प्रेजेंट सिनेरियो में एक्टिंग परस्यू करना लाइक टफ है कि ईजी भी हो सकता है, जो कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, डिजिटल एरा है, तो थोड़ा सा एज एन एक्टर आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ें, क्या कुछ बता पाएंगे अगर? के दोनों पहलू हैं। आज इतना वास्ट मीडिया हो गया है, हाँ मोबाइल से शूट कर रहे हैं और कंटेंट बहुत क्रिएट हो रहा है, जी बहुत इजीली एक काइंड ऑफ हो गया है। हम एक एक प्रोफेशनल है तो एक्टर आप लोगों के दुनिया या बैक काम करना है काम है, बहुत टफ भी बहुत ही टफ, क्योंकि हर दूसरे शख्स को एक्टर बनना है। जी क्योंकि जी आपको पता है हिंदी सिनेमा में अगर आप सिंगर हैं जी वो रिजेक्ट नहीं है, कोई भी रिजेक्ट नहीं, मौसम चालीस भी एक्टर बनाया जाता है, एडिटर भी जिसको मौका मिलता है मुंबई में वो एक्टर बनाया जाता है, मुंबई नहीं इंडिया में। और वो वर्सोवा के आसपास रहना चाहता है
कि वो उन कैफेज पे जाना चाहता है जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर आ जाए और वो बस उसको देख ले एक बार। अरे अब तो पड़ गई है फैजान, अब तो पड़ गई है। नहीं, क्योंकि हमने तो वो सीन्स देखे हैं वर्सोवा में, वो आराम नगर के वो सीन्स देखे हमने हमने के जो मंजर रहता है वहाँ पे। मुश्किल है हालांकि, लेकिन यही कि अपॉर्चुनिटी भी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल वास्ट हो रहा है, क्रिएटर्स इकोनॉमी ग्रो हो रही है। सो फ्यूचर में एक्टर जो एक्टिंग परस्यू कर रहे हैं उनके लिए मे बी अगर उन्होंने वो जुझारू रूप से मेहनत कर लें तो वो डेफिनेटली अपनी प्लेस कर लेंगे अपने आप को कहीं ना कहीं, मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा, अगर आप एक्टिंग पर्सू करना चाहते हैं तो हाँ फर्स्ट जी ऑफ ऑल क्लासिकल सॉन्ग तभी करें। हमारी तरह जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं जी तो उनकी तरह बस कोचिंग और ट्वेल्थ करके कूदना पड़ मैदान में। लेकिन आप भी सक रहा है, आप भी खेला, आप बिल्कुल जिंदगी का जुम्मन खेल रहे हैं। 10 साल हो गए हैं बर्फ जाके आए, बस काम कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ मैं तो वो भी पता नहीं कैसा काम निकलते हैं। बिल्कुल। कभी आर्ट करना आप आर्ट तो अपने आप में भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, आर्ट परस्यू करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, और एक मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत अंदर से आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप आर्ट परस्यू कर रहे हैं। बिल्कुल नो डाउट नो डाउट। लेकिन शुक्र मुझे लगता है एक्टिंग में ज्यादा स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि हर कोई जो मैंने बताया हर कोई जी बताता है क्योंकि करेक्ट करेक्ट उसका करेक्ट एक्चुअली टेस्ट भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगर है, अभी जो कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ तो तुरंत तुरंत उसका टेस्ट हो जाएगा। आप मैं जाऊंगा वहीं पर, लोगों को पता चल जाएगा पेपर ऑफ नहीं बन सकता वैसे नहीं। मैं पेंटर कहूँ कि मैं पेंटर मैं पेंटिंग बनाऊंगा अच्छी नहीं होगी, लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि लोग सोचते हैं कि बोलना स्क्रीन पे आ जाना गुड लुक्स और सीखे हैं कि हाँ एक्टिंग, तो काम भी कर रहे हैं ऐसे लोग तमाम लोग, काम भी मिल रहा है और अच्छे एक्टर्स बैठे हुए भी हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, इसलिए बहुत अच्छा ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट हो रहा है क्योंकि कोई एक पैरामीटर नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। ओके जबरदस्त जबरदस्त कॉन्वर्सेशन लगा, और मुझे वो किस्से आपका वो विदित सर के साथ वो किस्सा सुन के बहुत अच्छा लगा, और जो भी आपने कॉन्वर्सेशन किया फैजान, मतलब जो लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो आपका फ्रेश एक जो एक्सपीरियंस है अभी एक्टिंग की करियर का उसको सुन के कुछ ना कुछ सोचेंगे और अपने आप को अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फैज़ान ऑन दिस लाइव सेशन, और थैंक यू सो मच फॉर दिस दिस कॉन्वर्सेशन विच हैपेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू वायर मीटिंग यस यस वेरी प्लेजर फॉर टॉकिंग। प्लेजर इज और ऑल आर अस। यस यस हमारी मतलब बहुत खुशनसीबी है कि आपने आपसे जुड़े आपसे बात कर पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म IB71। थैंक यू सो मच फैजान। ओके देखिएगा, बताइएगा आप लोग पक्का पक्का अपनी पक्का किसी जो भी देखेंगे। पक्का मैं आपको